यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेम टॉपिक लाइन एंड एंगल है और 6.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 6.2 का, मैंने जब आपको टर्म्स और डेफिनेशंस बताई थी लाइंस और एंगल्स की, तो मैंने इस एक्सरसाइज की भी बता दी थी, बट फिर भी आज हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि ये एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपको क्लियर हो जाए, राइट? तो पहले मैंने यहाँ पर, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ पर मैंने 2 पैरेलल लाइंस लिए हैं, AB एंड CD, एंड एक ट्रांसवर्सल टी जो है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P पर, T एंड Q पर। तो आपको पहले इस एक्सरसाइज में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स यूज होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं, और कौन से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ध्यान से देखो, मैंने इनको नेम दे दिया है। नाउ सब बच्चों को ये पता है, लेकिन मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। तो ये ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो एक ही तरफ ये जो बने हुए एंगल हैं, एंगल 1 और 5 और एंगल 2 और 6, और अगर मैं इस एंगल, ये 2 पैरेलल लाइन को इस साइड से, इस ट्रांसवर्सल यहां से देख रही हूं, तो ये जो 2 एंगल 8 और 4 एक ही साइड जो बने हुए हैं, ये देख लो, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, और ये वाला इस लाइन के ऊपर था और इस लाइन के ऊपर। नाउ एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 3, ये कैसे एंगल है हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पता है ना आपको। और उसके बाद अब आपको ये पता होना है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जैसे 3 और 5 और 4 और 6, ये हमारे एक इस तरफ है, ये ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ है और एक इस तरफ, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर। तो यहाँ पर 3 और 5 और 4 और 6 ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए, ये जो ट्रांसवर्सल है, एक एंगल एंगल 1 एक इस तरफ और एंगल 7, एंगल 1 और 7 और एंगल 2 और 8, ये बाहर की तरफ है, ये दोनों अंदर की तरफ थे ना दोनों एंगल, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। तो 1 और 7, 2 और 8 ये हमारे कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तो जो भी मैं आपको टर्म्स और डेफिनेशंस बताती हूँ, उसको आप ड्रॉ करके सेम लिखा करो, ताकि आपको नॉलेज हो जाए और पता चल जाए कि ये एक्सरसाइज हमारे किस चीज से रिलेटेड है। और उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग बता दिए, अल्टरनेट इंटीरियर बता दिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर बता दिया। नाउ आई विल टेल यू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं। जैसे एंगल 4 और 5 है, तो इन 2 एंगल का सम जो होगा, ये हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन 2 एंगल का सम क्या होगा हमारा 1 8। हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस थी, AB और CD, एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तो जो एंगल फॉर्म हुए थे, एंगल 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, राइट? और अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, एंगल 3 और 5, 4 और 6, और अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हैं,
वन और सेवन, टू एंड एट। और कोइंटीरियर एंगल कौन से हैं? कोइंटीरियर का मतलब दोनों ये जो अंदर की साइड है, फोर प्लस फाइव और थ्री प्लस सिक्स, ये दो एंगल का सम भी हमारा क्या होगा? इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है, थ्री प्लस सिक्स, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद पहले मैं दो थ्योरम्स लूंगी, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और ये क्लैरिफाई करूंगी। पहले एक चीज और इससे क्लैरिफाई करती हूँ, अगर हमें इधर देखो, अगर हमें ये दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं और हमें एक एंगल ये वाला 35 दे रखा है और यहां पर मुझे फाइंड एंगल, ये एंगल वन था, ये टू भी फाइंड करना है, थ्री भी फाइंड करना है, फोर भी, फाइव सिक्स सेवन और एट, सारे एंगल फाइंड करने हैं, सिर्फ एक एंगल हमें गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने अभी सारा आपको बताया कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है। 135 है तो 5 भी क्या होगा? 35। कैसे एंगल है ये? रीजन लिखोगे, 1 इक्वल टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये निकल गया आपका। उसके बाद 1 और 7 ये कैसे एंगल है? ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारा 135 है तो 7 भी क्या होगा? 35। पहले 135 था तो 5 भी क्या था? 35, ये कॉरस्पॉन्डिंग था, और 7 क्या था? 1 और 7 क्या थे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे। अब अगर मुझे बाकी एंगल भी फाइंड करने हैं तो मैं कैसे करूंगी? देखो, मैंने 4 प्लस 5 जो थे वो कैसे एंगल थे आपके? को इंटीरियर एंगल थे, ये को इंटीरियर थे ना आपके। अब 535 है तो 4 कितने डिग्री का आ जाएगा? ध्यान से देखते रहना, मैं बाकी सारे एंगल एक एंगल से फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं असाइनमेंट भी दिए हैं मैंने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल हमारा आ गया 145, ठीक है। अब 4 145 का है तो 6 भी क्या होगा हमारा? 145 क्यों होगा ये? क्योंकि ये भी कैसे एंगल है? ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब हमारा 6, अब 2 और 6 कैसे एंगल है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 145 है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 145। अब रह गए कौन कौन से, ये भी निकल गया था। अब हमारा 3 और 8 रह गया, 2 हमारा 145 है तो 8 भी क्या होगा? 145, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब रह गया 3, 3 और 5 का क्या रिलेशन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 35 है तो ये भी हमारा क्या होगा? 35, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमने सारे एंगल्स फाइंड करके दिखाए हैं, हमें एंगल्स कौन कौन से दे रखे थे और हमने उनको एक एंगल के बेस पर, मैंने सारे एंगल आपको बता दिए कि सब एंगल का पैरेलल लाइंस में क्या रिलेशन है। अब हम आगे चलेंगे और इसकी पहले दो थ्योरम्स लेंगे, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। हमारी 6.2 थ्योरम्स, आप पेज नंबर एनसीईआरटी का 100 पेज है, आप उस पर थ्योरम का हेडिंग देखना, हेडिंग दे रखा है इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, intersect two parallel lines, then each pair of, ये 5-6 थ्योरम्स दे रखी है, इनको अच्छे से समझना ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
then each pair of alternate interior angles is equal. अभी मैंने जब आपको ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके बताया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी प्रूव करके बताएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बराबर होते हैं. इधर देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई और एफ पॉइंट पर, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. आपको ये प्रूव करना है कि एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर है और एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के बराबर है. अब हमें ये प्रूव करके बताना है. अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओरली बता दिया था कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन प्रूव कैसे करें हम? तो यहाँ पर गिवन में तो सिर्फ इतना लिखना, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई एंड एफ. ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो मैं लिख रही हूं, एंगल वन टू के बराबर है और एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर है. यहां तक समझ आया आपको? अब मैं इसको प्रूव कैसे करूंगी, ध्यान से देखो. हमारे पास गिवन में दो पैरेलल लाइन, इसके बेस पे करूंगी. ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर देती हूँ एंगल फाइव, ठीक है, एंगल वन और टू लाना है, तो एंगल ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, टी ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे जो एक ही तरफ बने हुए जो एंगल होते हैं, एंगल टू और फाइव, ये कैसे एंगल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. ध्यान से देख लो मैं कैसे प्रूव कर रही हूं. ठीक है, यहाँ पर टू और फाइव कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर ए बी जो है उसको टी ट्रांसवर्सल ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन और फाइव कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट हमारी राइट हैंड साइड से बराबर है, एंगल फाइव के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो हमारा ये प्रूव हो गया ना, वन इक्वल टू टू. और अगर ऐसे ही मुझे थ्री और फोर करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं यहां पर एंगल सिक्स ड्रॉ कर देती हूँ. एंगल फोर और सिक्स कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और थ्री और सिक्स कैसे एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो इन दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट भी आपस में क्या है, बराबर है. तो ये हमारी सेकंड चीज प्रूव हो जाएगी. समझ आया? आप एक प्रूफ के बाद सिमिलरली भी लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल थ्री इक्वल टू फोर आर अल्टरनेट. ठीक है, दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो. इफ ए ट्रांसवर्सल, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव कर हर एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का इक्वल है. हमें ये प्रूव करना है एंगल वन टू के बराबर है और थ्री फोर के बराबर है, राइट? तो हमने कैसे प्रूव किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम्स लगा के. कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम्स क्या होती है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो एक ही तरफ जो बने हुए एंगल होते हैं दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल टू और फाइव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और
वन और फाइव जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट भी आपस में क्या है बराबर है। और सिमिलरली जो फोर और सिक्स है वो भी कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और सिक्स और थ्री क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो थ्री आ जाएगा फोर के बराबर। समझ आया आपको ये थ्योरम? आपने हर एक थ्योरम को कॉपी के ऊपर अच्छी तरह से डिटेल में करना है, सारी थ्योरम आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का क्लियर हो जाए। अभी तक सेवंथ में एट्थ में हम लोग सिर्फ यही पढ़ते आए थे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अब नाइन्थ क्लास में हम इसे प्रूव करके भी दिखाया है मैंने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बराबर होती है। ऐसे ही मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी करके दिखाऊंगी, ऐसे ही इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर कैसे होता है वो भी आपको करके दिखाऊंगी। नाउ इसका हम कन्वर्ज लेते हैं इसी क्वेश्चन का, 6.2 थ्योरम का आज कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स मतलब किसी का रिवर्स, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो प्रूव करो लाइनें भी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैं पहले थ्योरम का हेडिंग डालूंगी, 6.3 है हमारी थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल, ये थ्योरम अच्छी तरह से आपने रिवाइज करनी है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। अब यहाँ पर पैरेलल वर्ड नहीं दिया होगा आपको, टू लाइन दिया होगा सिर्फ, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस पैरेलल प्रूव करना है, टू लाइंस सच दैट अभी इसमें 6.3 जो है इसका कन्वर्स 6.2 का नहीं दे रखा, 6.3 थ्योरम दे रखी है। चलो पहले यही समझा देती हूँ, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल then two lines are parallel, ये उसका कन्वर्ट है alternate interior angle का, राइट दे रखा है उसने। इधर देखो दोबारा से पढ़ रही हूँ, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, अब आपको पैरेलल लाइन्स नहीं दे रखी हैं, टू लाइन्स दे रखे हैं और पैरेलल आपको प्रूव करनी है, सच दैट ए पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बराबर है, ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है गिवन है, देन टू लाइंस आर पैरेलल, ये आपको क्या करना है, ये हमेशा जब स्टेटमेंट होती है उसको अच्छी तरह से समझा करो ताकि आपको क्या गिवन में लिखना है और क्या टू प्रूव में लिखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको दो लाइनें पैरेलल प्रूव करनी है तो ड्रॉ तो हम दो लाइंस ही करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल हमें प्रूव करनी है, ठीक है, सिर्फ दो लाइनें दे रखी थी, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्टेड, ठीक है, और हमें ये गिवन है एंगल वन बराबर है एंगल टू के और एंगल थ्री बराबर है एंगल फोर के। तो गिवन में क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ठीक है, और एंगल वन बराबर है टू, जो गिवन दे रखा है वो आप लिखोगे, और थ्री बराबर है फोर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये हमें गिवन दे रखा था। और प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ये लाइनें पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, हम कैसे प्रूफ करें कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो प्रूफ देखो ध्यान से, मैं इसे कैसे प्रूफ करूंगी कि जो लाइनें हैं वो पैरेलल है। अब हमने 6 पॉइंट जो थ्योरम करी थी उसमें मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम्स लगाया था, तो इसमें देखो क्या लगाएंगे,
एंगल वन और टू कैसे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है, एंगल गिवन है, और एंगल वन और टू जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, और टू और ये जो वन और फाइव है ये कैसे एंगल है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, अगर लेफ्ट बराबर है तो हमारी राइट भी क्या है, बराबर है। अब टू और फाइव ये कैसे एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर लिखो इफ टू लाइंस मेक्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर टू और फाइव ये दो एक ही तरफ बने हुए एंगल, दो लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल उसे काट रहा है, तो अगर ये दो आ गए टू और फाइव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, देन ए बी पैरेलल टू सी डी। जब लाइनें पैरेलल करनी हो तो कोई भी इनमें से एक एक्सियम हमें लानी पड़ेगी, ये दे रखा था अब ये लाना था, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था, ये यूज किया था, और ठीक है। तो मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, इस बार हमें लाइनें पैरेलल करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, ये गिवन है वन और टू, और वन और फाइव वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो गई, टू फाइव के बराबर हो गया। तो दीज आर फॉर्मिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर फॉर्मिंग द ऑन द सेम साइड। तो अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं, तो देन लाइनें क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारी दो थ्योरम्स थी, आगे थ्योरम ऐसे धीरे धीरे ही हम करेंगे, ताकि एक दिन में सारी थ्योरम नहीं करेंगे हम। पहले मैं दो क्वेश्चन लूंगी 6.2 एक्सरसाइज का, फर्स्ट और सेकेंड। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, पहला क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये 50 डिग्री दे रखा है, ये एक्स, और यहाँ पर y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दे रखा है 130। और x और y की वैल्यू फाइंड करके हमें ये बताना है कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अभी जो मैंने थ्योरम कराई है, तो मैंने आपको उस थ्योरम में बताया है कि दो लाइनें पैरेलल तब हो सकती हैं, या तो उस पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगे या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली लगे। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, अब ये देखो, ये एक ट्रांसवर्सल टी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और उसको यहां से ये लाइन कट कर रही है, तो ये टोटल पूरे एंगल का सम हमारा क्या है, 180 डिग्री है। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50, 130 डिग्री, इसकी वैल्यू निकल गई। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा 130 है, CD और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो Y भी क्या होगा हमारा 130 का, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट भी क्या है, बराबर है। तो अगर X और Y दोनों 130 आ गया हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पर लिखो प्रूफ। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो, अगर कोई भी दो लाइनों को प्रूव करना हो, तो हमें जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सब प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ती हैं कैसे ना कैसे लाके।
तो हम इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ये एंगल और ये दे रखा था, इन दोनों का तो आपस में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है ना, तो यहाँ पर ये एक लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 130। सिमिलरली ये 130 है तो वाई भी क्या है 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों एंगल हमारे सेम निकल आए, अब सेम तो निकल आए तो ये x और y, AB और CD are two lines और ये transversal cut कर रहा है और ये they are forming alternate angle, तो अगर ये alternate angle है तो parallel to C। एक क्वेश्चन हम सेकंड और लेते हैं, उसके बाद इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज टू थ्योरम एंड दीज क्वेश्चंस you can verify. Question second ध्यान से देखना, बहुत important question है। Question second है हमारा second question है, ए डी जो है वो पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और हमारे पास सिर्फ ये क्लू दे रखा है कि वाई और जेड का जो रेशो है वो 3:7 है, तो आप लेट कर लो वाई एंड जेड आर, वाई और जेड को लेट कर लो कि ये दोनों जो है 3a and 7a है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर दिया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पहले रिलेशन देखो, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो और दूसरे तीसरे के पैरेलल हो तो पहली भी तीसरे के क्या होती है पैरेलल होती है, तो यहाँ पर लिखो देन ए बी पैरेलल टू ई एफ आल्सो। ये क्वेश्चन ये लाइन ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोला, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ देन ई एफ पैरेलल टू ए बी आल्सो, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का एक्स और जेड कैसे एंगल हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इसे काट रहा है, तो एक इस तरफ एंगल है एक इस तरफ एंगल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, तो यहाँ पर लिखो एक्स इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमने जेड को माना था 7a, जेड हमारा क्या था 7a, तो एक्स भी क्या हो गया हमारा 7a हो गया। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है तो एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, तो हमारा एक्स अभी आया था 7a और हमारा वाई क्या था 3a, तो इक्वल टू 180, तो 10a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन में 10, a की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना हमें, तो x हमारा 7a है तो हमारा a कितने कितना आ जाएगा, a की जगह मैंने 18 पुट कर दिया तो ये आ गया हमारा 126 डिग्री। ये आपको क्लियर हुआ, आई एम रिपीटिंग अगेन, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो फर्स्ट बी जो है वो थर्ड के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो इन दो एंगल का क्या रिलेशन हुआ एक्स और जेड का, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए और वाई एक्स और वाई और जेड का, एक्स और जेड का क्या रिलेशन हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जेड हमारा क्या था 7a था, तो एक्स भी क्या हो गया 7a।
अब x और y का क्या रिलेशन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, x और y का क्या रिलेशन है, x हमारा 7 a है और y हमारा जो है y हमारा 3 a है, तो दोनों का टोटल 180, तो a की वैल्यू 180 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 18 डिग्री, यहाँ 10 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18 डिग्री। अब x हमारा क्या है, ये कितना आ गया 126 डिग्री। तो ये हमारे 6.2 एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया है और साथ में मैंने दो थ्योरम्स कराई हैं आपको। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, और मैं असाइनमेंट जो है रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस आई हैव आल्सो गिवन टू यू, यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट आल्सो। इफ यू हैव एनी